सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और फाइनली आज से मगध यूनिवर्सिटी के पार्ट थर्ड के रिजल्ट की शुरुआत हो जाती है। और देख सकते हैं हमारे इस स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा मगध यूनिवर्सिटी रिजल्ट। और इसमें देख सकते हैं कितने हैप्पीनेस के साथ इसे रिप्रेजेंट भी किया गया है, क्योंकि बहुत ही एक लंबे अरसे के बाद मगध यूनिवर्सिटी ने फाइनली पार्ट थर्ड की रिजल्ट लाने की शुरुआत कर दी। और सबसे पहले बीकॉम का रिजल्ट आया है, इसके बाद कल आपका बीएससी का रिजल्ट आएगा, इसके बाद बीए का आएगा। और इस तरीके से पार्ट थर्ड के सारे रिजल्ट मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि ये रिजल्ट कब आना चाहिए था, 2021 में आना चाहिए था, क्योंकि ये बैच था 2018 से 21 का। और देख सकते हैं कि 2 साल डिलेट करने के बाद फाइनली मगध यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड का रिजल्ट देने की शुरुआत कर चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है आखिर प्रोसेस मगध यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को चेकआउट करने का। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल है। फिलहाल में आप समझ लीजिए प्रोसेस को, इसके बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डायरेक्टली चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो अभी आपका रिजल्ट है, आप जानते हैं मगध यूनिवर्सिटी का साइट क्या है, अभी भी साइट क्रैश कंडीशन में, जो मगध यूनिवर्सिटी का अपना साइट था। इसलिए मगध यूनिवर्सिटी का जो भी सारा रिजल्ट है या जो भी सारा अपडेट है वो सब कुछ आ रहा है इसके डिस्टेंस वाले साइट का, जो कि है mudde.org.in। और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन आपको इस लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट वाला लिंक दे दूंगा। तो मगध यूनिवर्सिटी के पेज पे आइएगा, यहाँ पे आपको क्लियरली ऑप्शन मिल जाता है मगध यूनिवर्सिटी रिजल्ट बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा आप पहुंच जाइएगा मगध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट चेक करने वाला लिंक पे। और ये जो लिंक है, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा आप पहुंच जाइएगा। इस तरीके से आप कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ पे आप चूज कीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपको चूजन मिलेगा, यानी पहले से चूज किया हुआ रहेगा। आपको यहाँ पे बस अपना डालना है रोल नंबर, मैं अभी बता चुका हूँ, अभी बस रिजल्ट आया बीकॉम वालों का, बीएससी वालों का भी कल आ जाएगा, बीए वालों का भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये वीकेंड होते होते कल आपका सैटरडे है, संडे है, संडे से पहले सारे रिजल्ट आपके हाथ में। इसके बाद जिस भी कॉम्पिटिशन का आपको फॉर्म बना है, सीजर का फॉर्म भी आया हुआ है, भर भी सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका इंतजार भी कर रहे थे क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो कह सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपका रिजल्ट आ गया, अब आप भी कई सारे फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप बस यहाँ पे रोल नंबर भरिए, रोल नंबर भरने के बाद सर्च कीजिए, जैसे ही सर्च करते हैं आपका रिजल्ट शो कर जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, फटाफट रिजल्ट को चेक कीजिए। रिजल्ट चेक करने में अगर किसी भी प्रकार का फर्दर प्रॉब्लम आता है तो आप हमें बताइए, रिजल्ट बहुत ही सिंपल है चेक करने का। और अगर किन्हीं का रिजल्ट चेकआउट नहीं हो पाता है, रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को पा सकते हैं। और अगर आपको रिजल्ट डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई है तो आप अपने डिटेल्स को हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं आपका जो आपका रिजल्ट है वो मैं आपका क्या कर दूंगा, डाउनलोड कर दूंगा, आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। तो कह सकते हैं कि आपके लिए ये थोड़ी सी आरामदायक रहेगी, थोड़ी सी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और ये ऑल ऑफ दिस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं और डिटेल्स को शेयर करने के साथ में आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, चलिए रिजल्ट को चेक कीजिए। रिजल्ट चेक करने में जो भी सारा प्रॉब्लम आप कमेंट कीजिए, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।